खबर सुल्तानपुर से है, जहां उस समय लगा हतप्रभ रह गए जब एक 38 लोकसभा प्रत्याशी घोड़ी पे सवार होकर अपना नामांकन करने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। वहीं आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले ये प्रत्याशी जीत के बाद बड़े बड़े दावे भी कर रहा। बताते चले कि इनका नाम बबलू चौधरी है, वाल्मीकि और यह नगर के सिरवारा रोड स्थित मालनी बस्ती के रहने वाले बबलू चौधरी है। इन्होंने 38 सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया और आज घोड़े पे सवार होके कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान घोड़े पे नामांकन करते जाते देख लोग हतप्रभ रह गए। वहीं पूरे रास्ते इनके समर्थक बबलू चौधरी वाल्मीकि जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने पर बबलू घोड़े से उतरे और अंदर दाखिल हुए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए बबलू चौधरी ने कहा कि आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और लोग रोजगार के चक्कर में बाहर जा रहे हैं। यदि मैं सांसद चुना जाता तो उनकी प्राथमिकता बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की होगी। घोड़े पे सवार होकर नामांकन करने के पीछे इनकी मंशा ये थी कि अगर बबलू की माने तो इनके समाज का हमेशा शोषण होता आया है, लिहाजा आज ये खुद घोड़े पे सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वही बीजेपी ने मेनका गांधी, सपा से रामभुआल निषाद और बसपा से उदराज वर्मा के सामने चुनाव लड़ने पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आप स्वयं उनके द्वारा दी गई बाइट में सुन सकते हैं। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। आज आपने नामांकन किया है, क्या नाम है, कहां से आए हैं? जी, मेरा नाम बबलू चौधरी वाल्मीकि है और मैं जिला सुल्तानपुर सिरवारा रोड मलिन बस्ती से हूँ। क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव लड़े? जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज सुल्तानपुर में सबसे ज़्यादा युवा जो बेरोजगार हैं, अपना घर परिवार छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं और रोजगार मांगने पर इस सरकार में लाठी खा रहे हैं। तो आएंगे तो क्या करें जी? अगर हम सांसद बन जाते हैं, अगर मौका मिला तो सबसे पहले हमारा मिशन ये रहेगा कि सुल्तानपुर के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार दिलाना और जो हमारा सुल्तानपुर के जो समाज के लोग गए हैं बाहर अपना परिवार छोड़कर, उनको बुलवाकर सुल्तानपुर में रोजगार देना। आप क्या लगा ऐसा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हमारे समाज के साथ हमेशा शोषण होता है, हमें घोड़े पे चढ़ना नहीं दिया जाता है, हमारे साथ जातिवाद होता है। इसलिए आज हम जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें अधिकार मिला है, हम इसलिए घोड़े पे चढ़ के आए और सम्मान सीट पे मैं इस अधिकार के माध्यम से चुनाव लड़ रहा हूँ। तीन बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर की मां सांसद मेनका संजय गांधी है, उसके बाद रामभुआल जी हैं समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से उदयराज वर्मा है। तीनों की आप कैसे सामना करेंगे, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, पहले बात तो मैं अपनी माता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के समय वो हमारी माता जी हैं, ठीक। और इलेक्शन होने के बाद जब हमारे सुल्तानपुर के हमारे व्यापारी भाई के साथ ऊपर लाठी चलती है, हमारे दलित समाज के ऊपर जब मार पड़ता है, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जब शोषण होता है, उनके हक अधिकार छीना जाता है, तब ये माँ अपने बच्चों की तरफ नहीं देखती, दिल्ली में बैठी रहती हैं। दूसरी चीज, रामभुआल निषाद जी, निषाद समाज का वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के ही समय वो समाज की बात क्यों करते हैं? अच्छा। इसके पहले भी समाज की मुद्दे वो उठाते, ठीक। और उसके बाद हमारे उदयराज वर्मा जी बसपा से आए हैं, चलो हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब इलेक्शन ही आता है तो दलित समाज के लोगों को दलित समाज वोट क्यों मांगा जाता है? उनके जरूरतों पे उनको जब सताया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, तो उनके लिए शहर में क्यों नहीं उतरते सब लोग?